शिलोंग एयरपोर्ट से हम हमारे सिल्वन गेस्ट हाउस जो हमने बुक किया था वहाँ पे पहुँच गए हैं। एक अच्छी थोड़ी सी लंबी अंदर लेकिन बहुत ही अच्छी साइट मुझे लग रही है। आई थिंक वी विल बी एन्जॉइंग द स्टे हियर। रूम भी सुंदर होनी चाहिए क्योंकि मैंने फ़ोटोज इसके देखे थे। ये गाड़ी है, ये गाड़ी का पार्किंग है जो गाड़ी हमें एयरपोर्ट लेने के लिए आई थी। इन्होंने हमें कॉस्टी पिकअप भी किया है एयरपोर्ट से और थोड़ा सा दूर होने के बाद इसलिए इन्होंने हमें ड्रॉप भी दिए है। हम आज घूमने जाने के वाले हैं तो वो कॉस्टी ड्रॉप भी हमें देंगे। तो अब देखिए यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा गेस्ट हाउस से। फॉर्चुनेटली हमारी रूम यही व्यू दे रही होंगी तो बहुत मज़ा आएगा। मैं हमारे व्यू हमारे रूम का भी व्यूज़ और क्या फैसिलिटीज़ है वो देने बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर व्यू है हिल्स। ये एक बड़ा पार्किंग है, ये गेस्ट हाउस के जो मालिक है वो है बीएल नॉन्ग्री। ये रिसेप्शन है, यहाँ पे बताया गया मुझे कि करीबन 3 या 4 रूम्स या सूट्स यहाँ पे हैं। ये देखिए ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन में फ़िलहाल कोई नहीं है हमारे। ये देखिए ये किचन है, ये इनका किचन है, यहीं पे आपको ऑर्डर देना पड़ेगा और ये रूम पे जाने का रास्ता। हम आपको रूम ज़रूर दिखाएंगे और रूम के चार्जेस भी बताएंगे, बने रहिए। सिल्वन गेस्ट हाउस के इंचार्ज हमारे साथ में, क्या नाम है भैया? हाँ, आपका क्या नाम है? बंसराय। बंसराय, बंसराय, वेरी गुड। इन्होंने हमें पिकअप किया था, ये ड्राइविंग करते हैं। ये क्या मतलब जो आपका जो ये जो ये कौन सी, ये क्या आपने बोला पुलिस क्वार्टर्स है, ये क्या है? आर्मी के आर्मी कैंप है, आर्मी कैंप है। क्या होता है यहाँ पे मतलब? आर्मी का रहता है इधर में जो ट्रेनिंग रहता है। अच्छा, आर्मी का ट्रेनिंग करते हैं, रहते हैं वह लोग वगैरह। और ये कौन सी घाटी है इतनी जो सुंदर जो मुझे ये दिख रहा है, ये कौन सी टेकड़ी, कौन सी घाटी है, इसको आपको कुछ आइडिया है? कुछ नहीं, आपको आइडिया नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? ये हमारे गेस्ट हाउस से आने वाला व्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये गेस्ट हाउस का एक्सपांशन प्लान है। ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग टैंक आने वाला है, यहाँ पे किचन रहने वाला है, ये जो हॉल दिख रहा है बोल रहे कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बन जाएगा। फिलहाल 3 ही रूम है। देखिए ये रूम है हमारा, बहुत सुंदर रूम है, ये रूम है हमारा। मैं अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे वगैरह वगैरह। और एक जगह है, मतलब आप थोड़ा सा यहाँ से चढ़ भी सकते हो ऊपर में। ये ऊपर वाला गेस्ट हाउस किसका है, ये जो है ऊपर में? या हम अपने ही? अरे वाह, फिर वहाँ पे मतलब रूम्स अलग है क्या? बंद रहा है मतलब अभी, और ये नहीं है, अपन एक बार जाके देखेंगे वहाँ पे। चलो ठीक है, ओके ओके। देखिए मैंने जो ऊपर का पार्ट दिखाया था अभी, ये ऊपर से मैं व्यू ले रहा हूँ ये गेस्ट हाउस का। ये स्विमिंग टैंक बन चुका है और देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से भी, वही टेकड़ी देखिए।